तो गाइस वड़ा पाव छोड़ के मैं आ गई मोमोज खाने। मेरा पुराना प्यार पूरी दिल्ली मुझे लगता है भूल चुकी है कि मोमोज नाम की भी पहले कोई हमारा प्यार हुआ करता था या हम मोमोज के दीवाने हुआ करते थे, क्योंकि भैया वड़ा पाव। इसलिए मैं पक गई और मैं आ गई मोमोज ट्राई करने लंग ली पे। यहाँ पे भैया वैरायटी ऑफ मोमोज मिल फाइनली वड़ा पाव को भूल के मैं आ गई। मेरे पुराना लव जो है मोमोज, आप मेरे आगे देख सकते हैं कितने सारे मोमोज लगे हैं भाई। मेरे सच्ची बता रही हूँ, मैं बोले जा रही हूँ लेकिन मेरे मुंह में आ रहा है पानी। आप देख सकते हैं ये रहे हमारे ग्रेवी मोमोज और ये रहे हमारे स्टीम मोमोज वेज वाले, ये रहे कुरकुरे मोमोज और ये रही इसको हटाओ साइड, और ये रहे हमारे वीट मोमोज। मैं तो सच्ची बताऊँ मैं वड़ा पाव से थक गई, इसलिए मैंने कहा भाई नहीं, मेरा पुराना लव तो जो था ना मोमोज वो तो मुझे खाना। और यहाँ पे आप वैरायटी देख रहे हो कि यहाँ पे वीट मोमोज दिए जा रहे हैं और वीट मोमोज की क्वालिटी आप देख सकते हो भाई लाजवाब है। मैं आपको दिखाती हूँ, ओ भाई पनीर की स्टफिंग देख रहे हो भर के, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की गई और बहुत ही सॉफ्ट है यार। उप्स यार चटनी गिर गई मेरी, बट कोई बात नहीं, ट्राई करने वाले भाई। वीट के मोमोज खा के ना मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं वीट के मोमोज खा रही थी। अगर वीट का ध्यान आता भाई आटा मोमोज टेस्ट नहीं होगा, बट सच बताऊं गाइस सीरियसली बहुत टेस्टी है। चटनी तो बट मेरे को जो रेड चटनी के साथ मोमोज खाने में ही मजा आता। यहाँ पे आके ना मेरे कुरकुरे मोमोज तो हो गए फेवरेट। अगर आप लोगों को भी यहाँ पे वैरायटी ऑफ मोमोज देख सकते हो, आप लोग भी ट्राई करना चाहते हो ना भैया दिल्ली के, मैं कहूँगी सबसे बेस्ट मोमोज यहाँ पे मुझे खाने को मिले, मज़ा आ गया खा के भाई। आप लोगों को भी ट्राई करने तो आप यहाँ पे आ सकते हैं लंग ली पे, और ये है सुभाष नगर में, पूरा एड्रेस मैं आपको बता दूंगी, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट या फिर डीएम कर सकते हैं। बाय बाय, मैं चली खाने।